कराची जो कि 3.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल शहर है, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में कब्रिस्तान भर रहे हैं और मरने वालों के आराम के लिए जगह खत्म होती जा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक कराची में कुल 203 कब्रिस्तान हैं, जिनमें से 184 मुसलमानों के और 19 गैर मुस्लिमों के हैं, जिनमें से 90 सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची के कंट्रोल में आते हैं। शहर के 8 कब्रिस्तान कहीं दहाइयों से जगह की कमी के बायस बाजाब्ता तौर पर बंद कर दिए गए हैं, जिसमें ईसा नगरी, पापोश नगर, मेवा शाह, सऊदाबाद, शाह फैसल कॉलोनी और सखी हसन कब्रिस्तान शामिल हैं। मगर इन कब्रिस्तानों में आज भी मैयतों की तदफीन का अमल जारी है, लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। अगर किसी शख्स को अपने प्यारे की तदफीन के लिए जगह दरकार है तो वो इजाफी पैसे देकर कब्र या प्लॉट हासिल कर सकता है। गोरकन ने इंकशाफ किया कि कराची के अक्सर कब्रिस्तानों में तदफीन की जगह बाकी नहीं है। हम किसी के इसरार पर पुरानी कब्र से बाकियात निकालकर नई कब्र बना देते हैं। इन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि ऐसा करने की सूरत में हम फिर अपनी मर्जी के पैसे लेते हैं, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। और नीचे दफना देते, ऊपर रेवल कर देते, नीचे बना देते। कब्रिस्तान में, पूरी कब्रिस्तान में कराची के अंदर दया कब्र, फ्रेश कब्र आई नहीं तो कब्र टूटेगा, कब्र बनेगा। कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कब्र की सरकारी फीस बेमा सर्टिफिकेट 7,900 मुकर्रर की गई है, लेकिन अगर किसी कब्रिस्तान में कब्र के लिए जाते हैं तो प्यारों की तदफीन के लिए कम से कम 55,000 रुपए अदा करने पड़ते हैं, जो सरकारी कीमत से कई गुना ज्यादा है। बेसिकली जो इसमें मामलात हैं वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत कम पड़ रहा है, क्योंकि एक ज़माने में इसकी आबादी 3 लाख से शुरू हुई, अब 3 करोड़ पर आ गई है, लेकिन बाज शहर के बाज हिस्सों पे वही इंफ्रास्ट्रक्चर है जब क़ायम पाकिस्तान के वक्त था। जिसकी तदफीन होती है, जो लवाहिकीन जिसे कहते हैं, वो लोग होते हैं, वो हमारे गोरकन को आके इस बात पे मजबूर करते हैं कि हमें कब्र दें और जितनी आपको पेमेंट चाहिए वो लें। आपको पता है बड़ा दुख होता है, एक निशानी होती है, चलो वो तो नहीं है हमारे में, लेकिन निशानी होती है। हम लोग आते हैं, जब भी उनके आते हैं तो फातिहा पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन अब नज़र नहीं आती तो बड़ा अफसोस होता है हमें। और फिर इधर लोग पैसे ले गए, वो कब्र के ऊपर कब्र बनाई जा रहे हैं, जो आता है उसको तो थोड़ा बहुत निशानी होती है, और जो बेचारा नहीं आता उसकी कब्र गायब हो जाती है। कराची शहर जो अपनी एक तारीखी हैसियत रखता है, इसमें गैर मुस्लिमों के कब्रिस्तान भी मौजूद हैं, मगर इनकी हालत भी इससे मुख्तलिफ नहीं। बात की जाए कराची शाहराए फैसल पर मौजूद गोरा कब्रिस्तान की, तो 20 एकड़ पर मौजूद इस कब्रिस्तान में 2016 के सर्वे के मुताबिक 3 लाख मैयतें दफन की गई हैं, जबकि वहां सिर्फ 3,000 कब्रों की जगह रखी गई थी। कराची में पाकिस्तान का वाहिद यहूदी कब्रिस्तान भी मौजूद है। यह कराची के सबसे बड़े कब्रिस्तान मेवा शाह का एक हिस्सा है। बरसों से इसका रुकबा मजीद कम होता चला गया है। इस कब्रिस्तान में इस वक्त तकरीबन 5,000 से जायद यहूदियों की कब्रें मौजूद हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, देही इलाकों से लोग गुर्बत से बचने और रोजगार के हुसूल के लिए शहर की तरफ आ रहे हैं, जो यहाँ के मुस्तकिल मकीन भी बन जाते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का 7वां बड़ा शहर, मुल्की तरक्की का जामिन, 60% रेवेन्यू देने वाला और तकरीबन 3.25 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल शहर कराची, अपनी तमाम तर खूबियों और रानाइयों के बावजूद ना सिर्फ मसाइल का शिकार है, बल्कि इसकी मुश्किलात में हर नए रोज इजाफा ही होता जा रहा है।